बायोस्कोपिक इफेक्ट प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर मैं एक बॉडी को उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को कुछ एंगुलर मोशन प्रोवाइड करूं एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो वो बॉडी एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी जो थर्ड पॉइंट द एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल. सो दिस वॉज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटर यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल. नाउ व्हाट आई हैव डन, मैंने इस बॉडी को वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट किया ओमेगा पी एंगुलर वेलोसिटी से, तो ये मुझे नया वेक्टर मिला. नाउ टू फाइंड द एक्सिस ऑफ गायरोस्कोपिक कपल, मुझे जिस डायरेक्शन में मैंने बॉडी को रोटेट किया उस डायरेक्शन में अपना थंब रखते हुए इन दिस वे आई कैन कैलकुलेट द एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल. ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैंने बॉडी के सेंस ऑफ रोटेशन को यूज करते हुए उसका एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर प्लॉट किया, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर को ओमेगा पी से मैंने इस डायरेक्शन में रोटेट किया, मैंने अपने थंब को उस डायरेक्शन में रख लिया. देन व्हाट आई नीड टू डू, जिस डायरेक्शन में मैंने चेंज दिया था उस डायरेक्शन में मैंने थंब को रख लिया. सो अब जब जिस डायरेक्शन में मेरी ये फिंगर्स कर्ल कर रही है करेक्ट है, उस डायरेक्शन में बॉडी को एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल फील होगा. एंड इफ आई नीड टू फाइंड द रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल जिसकी वजह से गायरोस्कोपिक इफेक्ट आएगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इस थंब और फिंगर्स की अरेंजमेंट को इनवर्स कर देना है. सो दिस डायरेक्शन और दिस सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ माई फिंगर्स गिव मी द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी. अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा रिलेट करना, तो आइए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल से. तो अब हम गायरोस्कोपिक इफेक्ट को एग्जाम्पल लेके समझते हैं. सपोज करिए एक एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन का प्रोपेलर है. आई एम रियली सॉरी फॉर द ड्रॉइंग बट जस्ट कंसिडर दिस एज एन एरोप्लेन, ये एक एरोप्लेन है और ये उस एरोप्लेन का प्रोपेलर है. ना अब अगर मैं इस एरोप्लेन को इस डायरेक्शन से देख रहा हूँ करेक्ट, तो इसका प्रोपेलर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसका सेंस ऑफ रोटेशन प्रोपेलर का एंटी क्लॉकवाइज है. सो अगेन आई विल यूज द राइट हैंड थंब रूल, से दिस इज द वे द फिंगर्स विल कर्ल टू रिप्रेजेंट एंटी क्लॉक टू रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज मोशन करेक्ट. से दिस इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो द फिंगर्स विल कर्ल लाइक दिस. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटर करेक्ट है. नाउ अब मैंने क्लॉकवाइज की वजह से इसको ऐसे कर्ल किया और ये एक्सिस ऑफ रोटर का डायरेक्शन है लाइक दिस. नाउ अब अगर मैं बोलूं कि ये एरोप्लेन जो है ये लेफ्ट टर्न लेता है, तो मेरा एक्सिस ऑफ रोटर भी लेफ्ट टर्न लेगा. इन दैट केस दिस इज द एक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क, सो दिस इज द रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क एंड द सेंस ऑफ एक्टिंग ऑफ द गायरोस्कोपिक इफेक्ट विल बी समवॉट लाइक दिस, which will cause the front end of the aeroplane to go up and the rear end to go down. इसका मतलब है कि अगर एक aeroplane motion में है और इस direction से देखने में उसका propeller clockwise direction में rotate कर रहा है and say the aeroplane takes a left turn, aeroplane left turn लेता है, तो right hand thumb rule use करके ये मैंने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया एंगुलर वेलोसिटी को. नाउ दिस आफ्टर टेकिंग द लेफ्ट टर्न जो एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट होगी वेक्टर फॉर्म में, इट विल बी सिमिलर टू दिस. सो दिस विल बी द एक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क एंड दिस विल बी द रिएक्टिव गायरोस्कोपिक टॉर्क एंड इट विल एक्ट
in a manner which will cause the rear end to go downwards and the front end to go upwards. मतलब अगर एक एरोप्लेन मूव कर रहा है और वो लेफ्ट टर्न लेना चाहता है तो उसका फ्रंट एंड ऊपर उड़ जाएगा, रियर एंड नीचे चला जाएगा. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. अब हम एग्जांपल ले रहे हैं शिप का और हम देखेंगे कि शिप में जब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है अपना ओरिएंटेशन चेंज करती है, यानी कि मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक एंगुलर मोशन प्रोवाइड करता हूं, तो गायरोस्कोपिक इफेक्ट कैसे आता है और वो शिप के ओरिएंटेशन को कैसे चेंज करता है. नाउ कंसिडर दिस एज द टॉप व्यू ऑफ द शिप एंड कंसिडर दिस एज द साइड व्यू ऑफ द शिप. ओके, नाउ अगर मैं बोलूं ये शिप का टॉप व्यू है, नाउ इन दिस केस द शिप कैन स्टीयर इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द स्टीयरिंग ऑफ द शिप. Now, if I take a look from the side view, मैं side view से देखूं, तो ship एक water body में इस तरह से भी motion कर सकता है, यानी कि उसका front end पानी के अंदर डूबेगा और rear उठेगा, या front उठेगा rear डूबेगा. This effect is called as pitching. Now there is a third effect which also occurs where the ship can roll in the water body. Correct? Say this is the rotor. So I can say that this is the axis of rotation. Okay? So a ship in a water body can move in three different directions. That is, it can steer, it can pitch, and it can roll. Correct? Now, say this is the axis of rotation. And I can see from this direction that the rotor is rotating clockwise and the ship is moving in this direction. Now, if I will steer, मेरे steering करने से होगा क्या कि ship की axis of rotation जो है उसको मैं कुछ angular motion provide कर रहा हूँ, तो definitely gyroscopic effect जो है वो आएगा. कैसे आएगा? This is the angular velocity in vector form. After changing the axis of rotation, it will be somewhat like this. So this is the active gyroscopic torque and this is the reactive gyroscopic torque. Using the right hand thumb rule, clockwise curve this way. So this is the change in the axis of rotor. This is the active gyroscopic torque and this is the reactive gyroscopic torque. It curls like this, which means ki ship ka jo front end hai wo uthega, yani ki jab ship move kar raha hai is direction mein aur ship left turn leta hai to ship ka front end upar jayega aur rear end niche jayega. Okay, so from here we have seen कि steering phenomena होने पे gyroscopic effect एक ship में कैसा role play करता है. Now let's take the example of pitching. अगर ये axis of rotation है, this is the axis of rotation and pitching हो रही है, then also the axis of rotation has been given some angular motion, वो तब भी कुछ angular motion ले रही है और change हो रही है, तो इस केस में भी एक एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल आएगा और एक रिएक्टिव आएगा जो गायरोस्कोपिक इफेक्ट कॉज करेगा. सो इसका मतलब है कि अगर एक शिप से द रोटर इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, शिप क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन वेयर द शिप इज हेडिंग और द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हेडिंग, सो द पिचिंग फेनोमेना ऑकर्स. से द फ्रंट एंड गोज डाउन, पिचिंग फेनोमेना ऑकर्स. ओके, दिस वॉज द डायरेक्शन pitching has occurred. So this is the active gyroscopic torque. So this is the reactive gyroscopic torque, which means it curves like this. That means while pitching occurs, the ship will take a left turn. Correct? यानी कि ship ऐसे move कर रही है, pitching हुआ, तो gyroscopic effect कुछ ऐसा होगा कि ship left turn ले लेगी. Like this, the ship is moving, pitching has occurred. So gyroscopic effect will cause the ship to take a left turn. The front end will go this way, the rear end will go that way. So that concludes everything. There is one more phenomena which is called rolling, and because in case of rolling, say the ship is moving like this and the axis of rotator, the rotor is rotating. Say the ship is moving in this way and the rotor is rotating clockwise,
डायरेक्शन। तो अगर ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो रोलिंग फिनोमेना में मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब रोलिंग फिनोमेना ऐसा फिनोमेना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसमें कोई एंगुलर मोशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर शिप में रोलिंग फिनोमेना ऑकर हो रहा है तो कोई गायरोस्कोपिक इफेक्ट नहीं आएगा। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने गायरोस्कोपिक इफेक्ट समझ लिया है यूजिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एरोप्लेन एंड शिप, और हमें पता है कि गायरोस्कोपिक इफेक्ट कैसे कैलकुलेट किया गया। बट गायरोस्कोपिक इफेक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी कि उसकी एक्चुअल वैल्यू, वो टॉर्क कितना आएगा बॉडी पे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। से कि देयर इज अ बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी से रोटेट कर दूं, नाउ द गायरोस्कोपिक टॉर्क दैट विल एक्ट ऑन दिस बॉडी विल बी इक्वल टू से द गायरोस्कोपिक टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, देन द गायरोस्कोपिक टॉर्क इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी rotating around this axis and omega p is the angular velocity with which the axis of rotation has been rotated. So this will give the value of the reactive or the active gyroscopic torque. Now in this formula, I is the mass moment inertia of this body. Okay, so using this formula you can calculate the total gyroscopic torque acting on the body. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर गायरोस्कोप में आपको हेल्प करेगा गायरोस्कोप के कॉन्सेप्ट को समझने में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड रिमेंबर मैकेनिकल मतलब